आपके भी तो दो पैर हैं, दो हाथ हैं और एक मस्तिष्क है, फिर आप इतने महान कैसे हो? हाँ, ये तो बड़ा प्रश्न है। बताओ, सबके कितने हाथ हैं? दो। सबके कितने पैर हैं? दो। सबके दिमाग कितना है? एक। फिर कान कितने? दो। आँख? दो। नाक? एक। एक दो नहीं है, एक राइट एक लेफ्ट नहीं है। देखने में एक लगता है अंदर से, ऐसे दिमाग भी देखने में एक लगता है अंदर से, एक राइट ब्रेन एक लेफ्ट ब्रेन, दो है ना? हाँ, ये भी ठीक बता रहा है कि लेफ्ट ब्रेन जो राइट हिस्से को कंट्रोल करता है और राइट ब्रेन लेफ्ट को कंट्रोल करता है। तो ये सबको बराबर ही है ना? तो कुछ लोग तो बहुत बड़े बन जाते हैं, है ना, और कुछ बड़े नहीं बन पाते। किसी भी, कोई पॉलिटिक्स में हो, कोई स्पिरिचुअलिटी में हो, कोई इकोनॉमिक्स में, कॉरपोरेट में हो, कहीं पर भी बड़े बनते हैं ना, कुछ बहुत बड़े बन जाते हैं, फिर सब एक ही जैसे हैं, तो कुछ बड़े बन जाते हैं और कुछ छोटे रह जाते हैं। आप लोग इसका उत्तर दो, मैं नहीं दूंगा अभी, बताओ। क्योंकि उनके अंदर उनके, क्योंकि वो अपने अंदर की शक्ति को नहीं जान पाते हैं। और जान लिया, मैंने जान लिया कि मेरे अंदर शक्ति है, तो खाली इतनी सी बात बन जाए? नहीं, उन्हें अपने अंदर की शक्ति को जागरूकता करना चाहिए। उसको जागृत भी करना और क्या करनी है? चलो, एक उत्तर इसने दिया कि कुछ तो अपनी शक्तियों को पहचान ही नहीं पाते, और किसी ने पहचान लिया कि मेरे अंदर शक्ति है, तो खाली इतनी सी बात बन जाएगी? और क्या करना पड़ेगा? खड़े हो, क्या करना पड़ेगा? मेहनत और परिश्रम, मेहनत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो दो बातें मिलकर पूरी होगी, अपनी शक्ति को जानो और फिर पुरुषार्थ करो, तो आप भी महान बन जाओगे। चलो, दोनों के लिए तालियां बजा दो, ये काम तो पूरा हो गया। और प्रश्न, मेरा प्रश्न है कि आप अपने गुरुजी को कब मिले? मैं अपने गुरुजी को मिला था जब छोटा सा था ना। आपकी कितनी उम्र? मेरी 10। तो मैं 14 साल का था तब मिला था। मैं भजन भी बोलना चाहता हूँ। माँ सरस्वती शारदे, माँ सरस्वती शारदे, तू न इस अज्ञान उदधि से, तू न इस अज्ञान उदधि से, बिना ज्ञानी तार दे, तार दे, तार दे, माँ सरस्वती शारदे। चलो, जोरदार तालियां हो जाए इस बेटे के लिए। और आपको तनवा, तुम्हारा तो हो गया। हाँ, चलो आप बताओ। हाँ गुरुजी, देश में सब भ्रष्टाचार क्यों फैलाते? अभी वो बता रहे थे ना, लालच आ जाती है आदमी को, ऐसा लगता है भ्रष्टाचार। भाई ने बताया ना, उसका अभ्युदय ने, वो बोले उसको ऐसा लगता है इसे पैसा मिलेगा, लेकिन बेईमानी से पैसा कमाते हैं ना, तो उसकी हानियां बहुत होती है। शुरू में तो ऐसा लगता है इससे गाड़ी आ जाएगी, इससे मकान बन जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। उस गलत पैसा आता है ना, अपने गलत कमाई, बिना मेहनत की कमाई, उससे नुकसान क्या क्या हो सकता है? अपने पाप तो लगता है, क्या क्या नुकसान हो सकता है? तो एक तो उसको वापस चुकाना पड़ेगा, वो तो बाद में चुकाएंगे, और क्या क्या नुकसान हो सकता है? फिर ये कह रहे हैं कि एक बार उठेगा बाद में गिर जाएगा। चलो, तो मैं बताता हूं, सुनो, उसको क्या क्या नुकसान हो सकता है जो गलत काम करता है। एक, सुनो जरा, बैठो एक बार, आराम से बैठो, फिर जिसमें अलग अलग पूछूंगा। तो जो गलत तरीके से पैसा कमाता है ना, उसको क्या क्या नुकसान हो सकता है? एक तो वो बीमार हो सकता है, उसको कैंसर, हार्ट अटैक, किडनी फेल, लीवर फेल, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। अब कोई पैसा करप्शन किया उसने 1 करोड़ रुपए का, और उसका जवान बेटी की मौत हो गई, तो बोलो ये उसका लाभ हुआ कि हानि हो गई? 1 करोड़ के चक्कर में बच्चा खत्म हो गया, उसको 1 करोड़, उसने 1 करोड़ का 2 करोड़ का घोटाला किया, और उसकी मां बाप को हार्ट अटैक हो गया। ऐसा पापों का फल एक तो बीमारी के रूप में आता है, दूसरा एक्सीडेंट के रूप में आता है, तीसरा कोई ना कोई उसको नुकसान हो जाता है बहुत बड़ा किसी भी तरह का। और फिर जब उसको पता लग जाता है कि इसने घोटाला किया, तो दुनिया में उसकी इज्जत होती है कि बेइज्जती होती है? ये जितने भी घोटाले करने वालों की फिर जब नाम सामने आते हैं, तब कहां जाते हैं वो? तो जेल में जाके उनका सम्मान मिलता होता है कि अपमान होता है? तो ये नुकसान है, ठीक है ना? ऐसे बहुत से नुकसान है, ये तो थोड़ी सी बात बताई। हाँ
नमस्ते बेटा। हाँ, आप जब कठिन योग करते थे तो आपको कष्ट नहीं होता था शरीर में? हाँ, शुरू में तो कष्ट होता था, फिर बाद में आदत पड़ जाती है ना। क्या नाम है? मेरा नाम विवेक चंद्र प्रसाद है। मैं कल्याण से आया हूँ, स्टेट महाराष्ट्र। ओह, ये तो बहुत दूर से आया विवेक। हाँ, तो आपका तो हो गया? नहीं होगा गुरु जी, काला धन क्या होता है? अच्छा पैसा बताओ, पैसा व्हाइट होता है कि ब्लैक होता है? जो अच्छा सुनो, कागज का रंग सफेद होता है तो फिर वो ब्लैक कैसे हो गया? क्योंकि वो चोरी से लेके आते हैं। देखो इन्होंने बता दिया, ब्लैक मनी का मतलब होता है जो बेईमानी से कमाया जाए वो ब्लैक मनी, और जो ईमानदारी से कमाया जाए व्हाइट मनी। चलो आपको क्या पूछना? मुझे गीत गाना है, गीत गाने का। आपको किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। आप लुंगी क्यों पहनते हो? अच्छा बताओ मैं क्या पहनू? आप मैं जब पैंट पहन लूंगा तो कहोगे पैंट क्यों पहनते हो, फिर योगा। अच्छा मैं इसलिए पहनता हूं, अब बताता हूं, पुलिस वालों की ड्रेस होती है ना, आर्मी वालों की भी एक ड्रेस होती है ना, ठीक बात है ना, ऐसे ही बहनों की भी एक अलग ड्रेस होती है ना, ऐसे ही हम सन्यासियों की ड्रेस है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म, दिस इज माई यूनिफॉर्म। चलो हाँ आप बताओ। गुरु जी जब आप जल्दी उठते हो तो आपको नींद नहीं आती दोबारा से? ये कह रहे हैं आप जल्दी उठते हो तो नींद नहीं आती? मैं उठ जाता हूं लगभग 3:30 बजे। कितने बजे? 3:30। 3 बजे भी? ये 3 बजे उठ जाता है, ये तो हमारा भी गुरु निकला। मैं सोता हूं रात को 10 बजे। ये कह रहे हैं मेरी मम्मी भी 3 बजे उठ के नहा लेती, ठीक है, सुबह जल्दी उठना फिर नहाना। चलो हाँ, क्यों बनाया आपने आचार्य कलम? क्यों बनाया हमने आचार्य कलम? आप जैसे बच्चों के लिए बनाया कि वही आपस में उत्तर दे देते हैं ये सब लोग तो बहुत अच्छे हैं। हमने आचार्य कलम इसलिए बनाया कि आप जैसे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे वहां पढ़े और इतने अच्छे बने, इतने अच्छे बने कि अपने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दें, अपने माता पिता का नाम, अपने गांव का नाम, अपने गुरु का नाम और आचार्य कुलम का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दें आप लोग हैं। अब आप लोगों के इतने प्रश्न रह गए। हाँ जी, आपने सन्यास क्यों लिया? अच्छे बताओ, मैंने सन्यास लेकर के अच्छा किया कि गलत किया? सबका अच्छा कर, सेवा कर रहा हूं कि सेवा नहीं कर रहा? सबके लिए अच्छा कर रहा हूं ना, तो मैंने इसलिए सन्यास लिया कि मैं सबके लिए अच्छा कर सकूं। यदि मेरी एक फैमिली होती तो मैं किसके बारे में सोचता? अपनी फैमिली के बारे में ज्यादा सोचता ना, है ना, तो फिर मेरा प्रेम थोड़ी जगह बंद जाता है ना, एक फैमिली में, ठीक है ना। तो अब मेरा प्रेम किसके लिए हो गया? पूरे देश के लिए, पूरे संसार के लिए, इसलिए मैं सन्यासी हो गया। हाँ। आप और बालकृष्ण जी महाराज मित्र कैसे बने? अब आप लोग यहां आए हो तो सब मित्र बन जाओगे ना, क्यों? जब विचार मिल जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? मित्र बन जाते हैं। तो हमको समान गुण व्यसनेषु सख्यम, जब हमारे गुण कर्म स्वभाव एक जैसे हो जाते हैं और हम फिर बड़ा सोचने लगते हैं, बड़े काम के लिए सोचने लगते हैं, तो क्या बन जाते हैं? मित्र। तो आप सब लोग भी मित्र बन जाओगे, जैसे हम लोग मित्र हैं ना, ऐसे ही, और सबको ऐसे ही मित्र बन के रहना है। हाँ चलो, आपको जब आपने सन्यास लिया तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे हो रहे थे, इसलिए तो लिया ना। हम वही काम करते हैं जिसको, जिसमें हमको बहुत अच्छा लगता है। हाँ मामी जी, हम लोग वंदे मातरम क्यों बोलते हैं? वंदे का मतलब होता है उसको सलाम करना, प्रणाम करना, रेस्पेक्ट करना। मातरम माने मातृभूमि का, हम भारत माता को, अपने कंट्री को रेस्पेक्ट करते हैं, उसके लिए अच्छा करने का सोचते हैं, ये होता है वंदे मातरम, है ना।
चलो अब बहुत अच्छी अच्छी बातें रह गई, एक दिन में तो सब बातें नहीं बता सकते, लेकिन अभी कुछ बातें बताएंगे। तो सब मेरे साथ, मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, उनका उत्तर देंगे, ठीक है। ये बताओ कि हमको भगवान ने, जैसे अभी एक बच्चे ने बोला, सभी को दो हाथ दो पैर दिमाग सबको भगवान ने बराबर दिया है, भगवान ने हमको दिल दिमाग शरीर देने में कोई पक्षपात, फिर भी किसी को, मान लीजिए किसी को बचपन से कोई अपंग होता है, फिर भी वो भी बहुत अच्छा कर सकता है क्योंकि उसको भी दिमाग भगवान ने दिया है, फिर कुछ कर्मों का भी फल मिल जाता है ना, वो अलग बात है। लेकिन आप जितने भी बच्चे हो, भगवान ने सबको शक्तियां बराबर दी हैं कि नहीं, मस्तिष्क भी बराबर दिया है कि नहीं है, तो फिर हम कुछ बच्चे बहुत महान बन जाते हैं, कुछ महान, तो महान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ी चीज है क्या करनी पड़ेगी, पहले तो अपनी शक्तियों को पहचानो और फिर क्या करो, मेहनत। मेहनत किस किस काम में, सुबह उठने में मेहनत, योग करने में मेहनत, पढ़ाई करने में और कोई भी काम बताए तो हर काम करने में, खेती में, बिजनेस में, व्यापार में, रिसर्च में, पढ़ने में, पढ़ाने में, हर काम में क्या करनी पड़ेगी। तो आदमी बड़ा किससे बनता है, ज्यादातर लोग मेहनत नहीं करना चाहते ना, ये क्यों कर नहीं करना चाहते, मेहनत करना कठिन लगता है। अब चलो एक एक इसका कोई उदाहरण दो कि लोग मेहनत क्यों नहीं करते। सबको पता है मेहनत करने से बड़े बनेंगे, मेहनत करने से पैसा मिलेगा, सम्मान मिलेगा, फिर भी मेहनत क्यों नहीं करते। हाँ, क्योंकि वो अपना आलसपन दिखाते हैं, आलस से नहीं छोड़ पाते वो, या आलस से छूटता क्यों नहीं, क्योंकि वो जब वो करते हैं तो उनका कुछ टाइप बन जाता। तो ये कह रही है कि आलस, बार बार आलस से करते हैं तो उनका स्वभाव बन जाता है, बिजनेस नहीं, हाँ आदत खराब हो जाती है, क्या पड़ जाती है, आदत। तो हमें अपनी आलस करने की खराब आदत, निकम्मा नहीं होना, अकर्मण्य नहीं होना, ठीक है। अब बैठ जाओ बेटा, अब एक बात और बताता हूं, आदमी गिरता क्यों और उठने के लिए मेहनत कैसे करने पड़ती है, इसका कोई एग्जांपल है किसी के पास, बताओ कोई एग्जांपल हो तो, क्या एग्जांपल है। छोटा बच्चा, छोटा बच्चा कैसे, सपोज जैसे कि वो छोटा होता है और जब चलना सीखता है तो वो पहले चलते चलते एकदम से गिर जाता है, फिर बाद में उठने की कोशिश करता है, फिर वापस से गिर जाता है। ठीक है, ये तो फिर उठ ही गया ना फिर तो। तो देखो मैं एक बढ़िया एग्जांपल देता हूं, सुनो, पेड़ से पत्ता गिरा तो नीचे की तरफ आता है या ऊपर जाता है, नीचे। पानी की टंकी भरी हुई है, लाखों लीटर पानी है उसमें, उसमें पानी की, अब नीचे से एक टूटी खोल दो, उसकी नल खोल दो, तो पानी खाली हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और उसमें पानी चढ़ाना पड़े तो, पानी चढ़ाना पड़े तो क्या लगानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, क्या लगानी पड़ेगी, पाइप लगाना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, मोटर लगानी पड़ेगी, मोटर चलाने के लिए क्या लगानी पड़ेगी, बिजली, बिजली चाहिए, मोटर चाहिए, पाइप चाहिए, तो पानी ऊपर जाएगा। और खाली करने के लिए क्या है, एक छेद कर दो या बस एक टंकी खोल दो, पूरा पानी नीचे। ऐसे ही पत्ता नीचे तो अपने आप गिर जाएगा, ऊपर फेंकने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत, फोर्स लगानी पड़ेगी ना। तो गिरना अपने आप हो जाता है, उठने के लिए क्या करनी पड़ती है, मेहनत मेहनत मेहनत। तो हार्ड वर्क करना है, क्या करना है सबको, इसी को बोलते हैं मेहनत, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं परिश्रम, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पुरुषार्थ, क्या बोलते हैं। अच्छा, किसी किसी का दिमाग तो पहले से बड़ा तेज है, जल्दी याद हो जाती चीजें, और यदि तेज ना हो तो क्या करो, मेहनत करो, तो मेहनत करने से जिसका कमजोर दिमाग है उसका भी कैसा हो जाएगा, तेज। और तेज दिमाग है और मेहनत नहीं करता तो उसका तेज दिमाग भी कैसा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज दुनिया में क्या है बोलो, मैं आज बड़ा बना तो किससे बड़ा बना, मैंने जो भी कुछ किया तो किससे किया,
आज पूरी दुनिया में जो भी बड़े लोग हैं, चाहे वो राजनीति में हैं, चाहे पैसे में बड़े हैं, चाहे समाज में बड़े हैं, रिसर्च करने में बड़े हैं, आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर जो भी बड़े हैं, वो किससे बने? मेहनत से। सारी सृष्टि क्या कर रही है? मेहनत। ये सूर्य भी बोलो मेहनत करता है कि नहीं करता? कोई ऐसा दिन हुआ है जिस दिन सूरज ना उगा हो? बारिश के दिन, बारिश के दिन उगता है, लेकिन ऊपर उसके सूरज के नीचे क्या आ जाते हैं? बादल। कोई ऐसा दिन नहीं हुआ जिस दिन सूरज नहीं। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हवा नहीं। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन धरती नहीं। आपको क्या पता धरती घूमती है? घूम रही है? धरती घूमनी बंद हो जाएगी तो दिन रात बनने? पूरी धरती घूमती है तो फिर मैं भी घूम रहा हूं? मैं फिर धरती घूमेगी तो मैं क्यों नहीं घूमूंगा? तो धरती के साथ साथ तो घूम रहा हूं। तो सुनो, अब ये तो आप बच्चे अब थोड़ा साइंस पढ़ लिया हो ना, इसलिए सब पता है आपको। तो सारी सृष्टि मेहनत कर रही है। सारी सृष्टि क्या कर रही है? एक चींटी भी क्या करती है? चींटी सुबह से उठ करके क्या अपना क्या लेने लग जाती है? दाना, भोजन लेने लग जाती है ना। हाथी भी सुबह उठ के क्या करता है? चींटी से लेके हाथी तक, शेर से लेकर के कुत्ते तक, गाय भैंस से लेकर के सारे पशु पंछी सब क्या कर रहे हैं? और कुछ लोग पड़े हुए हैं, उठ जा बेटा, नहीं सोना है। क्या किसी को आलस्य? तो बस आज की मेरी सबसे बड़ी एक ही शिक्षा है, जिंदगी में कभी भी आलस्य। और आप महान बनना चाहते हो, ग्रेट बनना चाहते हो, महामानव बनना चाहते हो, सुपरस्टार बनना चाहते हो, महानायक बनना चाहते हो, रोल मॉडल आइकॉन बनना चाहते हो, दुनिया में हर चीज में, हेल्थ में, एजुकेशन में, नॉलेज में, कैरेक्टर में, प्रॉस्पेरिटी में, पॉलिटिक्स में, हर जगह आप नंबर वन होना चाहते हो तो क्या करनी पड़ेगी? बस ये कभी जिंदगी में भूलना। बस एक बात आपने याद रखी तो आप जिंदगी में बनेंगे महान, और यदि मेहनत नहीं की तो फिर कुछ भी नहीं बनेंगे। फिर लोग, दुनिया हंसेगी तुम पर, ए बेवकूफ है ये तो, इसने कुछ नहीं किया, ये तो फिसड्डी है, ये तो फेल हो गया, ये कुछ नहीं कर सकता, ये तो ऐसे ही भोंदू है, ये तो पप्पू है, ऐसे कुछ ना कुछ बोलेंगे ना। इसलिए हमें हंसी का पात्र, हमें नाकामयाब, हमें असफल, हमें जिंदगी में हमेशा क्या होना है? सफल, कामयाब होना है, ठीक है ना। तो आप सब बच्चे बहुत अच्छे बनेंगे, और जो यहां पढ़ पाएंगे, अभी अभी अपने पास थोड़ी फैसिलिटी कम है ना, फिर इतनी फैसिलिटी बढ़ा देंगे, इतनी फैसिलिटी बढ़ा देंगे, हजारों नहीं लाखों बच्चों को आचार्य कोलम में पढ़ाएंगे, लाखों बच्चों को। इसलिए जिनका इस बार नंबर नहीं आए वो दुखी नहीं होना। ये बात सुन के ही दुखी हो गए कि इसका मतलब कुछ को जाना भी पड़ेगा। कोई बात नहीं है ना, किसी को अभी तो नहीं, लेकिन इन 5 दिनों में भी तो आप बहुत कुछ सीख के जाओगे ना। बोलो, एक ही दिन में आपने बहुत कुछ सीखा है कि नहीं? बोलो, आज दूसरे दिन भी बहुत कुछ सीखा है ना, और हमने सब बच्चों से प्यार किया है ना, कितने अच्छे से सबको रख रहे, कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे, मेरे से मिलने के लिए कितने बड़े बड़े लोग बैठे रहते हैं ना, पूरी दुनिया से लोग आते हैं मिलने के लिए, बड़े बड़े लोग आते हैं, और मैं सबसे ज्यादा समय किसको दे रहा हूं? बच्चों को। क्यों? क्योंकि दुनिया में मैं सबसे ज्यादा प्यार बच्चों से करता हूं, क्योंकि बच्चे अच्छे होंगे तो अपना देश और पूरी दुनिया अच्छी होगी, क्योंकि कल आपको ही दुनिया चलानी है। देखो ये जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, ये सब बहुत अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन ये बड़े बड़े लोग थोड़े दिन के बाद में कहां चले जाएंगे? कोई 15-20 साल में, 25 साल में कहां चले जाएंगे? ऊपर। फिर आप बच्चों से क्या हो जाएंगे? बड़े जवान हो जाएंगे, और आप ही किसको चलाएंगे? पूरे आप ही पूरे देश को चलाएंगे। इसलिए अभी जो चल रहा है ठीक है,
अभी हम आगे के 20-25 साल के बाद के भारत की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आप ही लोग सीएम होंगे, आप ही लोग पीएम होंगे, आप ही एमएलए होंगे, आप ही एमपी होंगे, आप ही डॉक्टर होंगे, आप ही इंजीनियर होंगे, आप ही कलेक्टर होंगे, आप ही कमिश्नर होंगे और आप ही सब कुछ होंगे। ऐसा आपको बनाना है। और जिसके अंदर ताकत होती है, जिसके अंदर नॉलेज होता है, जो मेहनत करता है, वो सारी दुनिया पर राज करता है। ऐसा आपको बनना है, ठीक है ना? सब अच्छे अच्छे लोग आप ही में से बनेंगे। जो आचार्य कुलम में पढ़ेंगे वो सब अच्छे अच्छे बनेंगे और वो सारी दुनिया का नेतृत्व करेंगे। पूरी दुनिया को लीडरशिप कौन देगा? आचार्य कुलम देगा, आप लोग देंगे, ठीक है ना? आचार्य कुलम के बच्चे देंगे। अच्छा, सब तो बनेंगे, सब अच्छे अच्छे बनेंगे, अच्छे किसान भी बनेंगे, अच्छे जवान भी बनेंगे, अच्छे आर्मी वाले ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, उद्योगपति, सब कुछ बनेंगे। मेरे जैसे कुछ बाबा जी भी बनेंगे? इतने? ओ चलो, मैं आपके लिए ताली बजा देता हूं। सन्यासी, वो बाबा जी वैसा नहीं हो सुल्फी पीने वाले, कुछ लोग वो दिखाते ना। आपको सन्यासी कैसा बनना है? बहुत ऊंचा, और ज्यादा ऊंचा नहीं समझ में आए तो मेरे जैसे ही बन जाना। बताओ, मैं संसार का उपकार कर रहा हूं कि नहीं? मेरे मुझसे देश का गौरव बढ़ा कि नहीं? मां बाप का, भारत माता का सम्मान बढ़ा कि नहीं? बढ़ा है ना? ऐसे ही आपको भी बढ़ाना है, ठीक है ना? तो मेरे साथ एक भजन गाएंगे। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। वह शक्ति कर्तव्य मार्ग पर सेवा पर उपकार में हम, पर सेवा पर उप निज जीवन सफल बना जावे, निज जीवन पर सेवा पर उप निज जीवन सफल बना जावे, निज जीवन। पहले ऐसे अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं करते थे ना स्कूल में, ऐसे अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं यहां करवाएंगे। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर दान दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, दया करना आत्मा में शुद्ध, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास वतन पर जा फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना, वतन पर जा फिदा करना, प्रभु हमको हमारे ध्यान में आओ, प्रभु आँखों में बस जाओ, हमारे ध्यान में आओ, प्रभु आँखों अंधेरे दिल में आकर के, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति बहा दो, प्रेम की गंगा दिलों में प्यार का सागर, बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिल जुल कर, हमें आपस में मिल जुल कर प्रभु रहना सिखा देना, हमें आपस में मिल जुल कर प्रभु रहना। तो ऐसे आपस में मिलजुल के रहेंगे ना, बहुत अच्छे बच्चे बनेंगे ना। और अपने माता पिता का, अपने गुरुओं का, हमारा और अपने देश का और भगवान का नाम पूरी दुनिया में, ऐसे अच्छे बच्चे
बोले भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे